सो वट इज फाइनेंस सबसे पहले तो फाइनेंस है क्या देखो फाइनेंस है बेसिकली मैनेजिंग योर मनी आप पे सो रुपए है अगर आप उस सौ रुपए को कैसे खर्च कर रहे हो इट इज फाइनेंस आप सौ रुपए से सौ रुपए में एक दिन के अंदर आप तीस रुपए का लंच खा रहे हो चालीस का डिनर खा रहे हो थर्टी रुपीज सेव कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपने थर्टी परसेंट सेविंग कर रहे हो ये जो आपने प्लान किया है कि मैं सेवेंटीज का स्पेंड कर दूंगा थर्टी परसेंट सेव करूंगा तो इट इज फाइनेंस हाउ यू आर मैनेजिंग योर मनी आप हंड्रेड में से हो सकता है आप, 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 आप किसी को डोनेट कर दो लेट से टेन रुपीज किसी आपको बैगर देते हो तो डोनेट कर दो सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस आपसे ट्वेंटी रुपीज सेव कर रहे हैं बाकी आप सारा स्पेंड कर रहे हैं सो सिमिलरली फाइनेंस हमारे लिए तो फाइनेंस ही है पर्सनल सिमिलरली से अलग ऊपर लेवल बढ़ता रहता है अगर कॉर्पोरेट्स के लिए फाइनेंस हो जाएगा वो थोड़ा और हाई लेवल फाइनेंस हो जाएगा उनको फाइनेंस में क्या करना है उनको देखना है कि उनको फंडिंग कैसे रेस करनी है उनको जो फंड रेस कर लिया उनको कैसे आगे स्पेंड करना है किस एक्टिविटी में स्पेंड करना है उन्हें ज्यादा पैसे कहाँ पे लगाने हैं ठीक है वहीं अगर गवर्नमेंट लेवल पर बात करते हैं नेशनल लेवल पर बात करते तो आ जाता है हमारा गवर्नमेंट का बजट बजट डिसाइड करता है कितना पैसा कहाँ पे स्पेंड करना है कैसे रेवेन्यू आ रहा है कितना रेवेन्यू आ रहा है हाउ देयर गोइंग टू स्पेंड सो हर जगह हर लेवल पे फाइनेंस है फ्रॉम हमारे छोटे लेवल्स पे फाइनेंस है से लेके एक नेशनल लेवल पे अब भाई अगर इंटरनेशनल लेवल फाइनेंस की बात करें तो कैसे लगे आई एम कैसे वर्क करता है हम आई क्या करता है कि हर एक कंट्री को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है हर एक कंट्रीज को कोटा दे देता है कि आपका कोटा ये हम आपको आपको इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे उसके पैरल में आपको वोटिंग लिस्ट दी जाएंगी उसके पैरल में आपको फंडिंग दी जाएगी ठीक है उसमें कॉरस्पॉन्डिंगली आपको फंडिंग दी जाएगी सो वहां पे भी एक फाइनेंस का पार्ट हो गया हाउ आई एम एफ इज मैनेजिंग इट्स मनी First of of all he he is is collecting money money from different countries. Then transferring that money to different countries. countries Then transferring that to in 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 the need in, in, uh, in, uh, in terms of interest. इंटरेस्ट मिलेगा So uh, हर लेवल पे फाइनेंस है छोटे से लेके बड़े अगर आपको फाइनेंस समझ आगेक्टली exactly क्या सब इतना याद रखिए कैसे जो पैसा है आपके पास उसको कैसे मैनेज कर रहे हो वो फाइनेंस है ठीक है अब इसमें और इकोनॉमीज में काफी कंफ्यूजन होती है वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर दोनों किस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा सो so, बट यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि फाइनेंस इज मैनेजिंग योर मनी मैनेजिंग दी मनी मैनेजिंग दी मनी अबे मनी सिर्फ कैश है मैंने बताया अब ये कैश की डिजिटल मनी भी हो सकता है है ना कुछ भी आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है आप पे कैश नहीं है वो कुछ भी हो सकता है है ना तो इट इज नॉट ओनली मनी कैन बी इन एनी फॉर्म बट इट हैज टू हैव सम वैल्यू वो फाइनेंस हो गया अभी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है लेट्स आप पे कोई चेक है या आप पे कोई बॉन्ड है आप बॉन्ड आगे बेच रहे हो कुछ कर रहे हो तो मनी बेसिकली अब ये कह लो कि इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट या किसी की वर्थ बता रहे है। अब एक कैश की भी वर्थ है कैश की तो सौ रुपए की सो वर्थ हो जाएगी जैसे बॉन्ड की भी बर्थ हुई कितने रुपए का बॉन्ड है चेक पे कितना अमाउंट लिखा हुआ है so, सो हर चीज का वो मनी मनी रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली वो ठीक है सो मैनेजिंग द मनी इज नथिंग बट फाइनेंस आई एम होपिंग आपको यहाँ पे समझ आ गया हो कि फाइनेंस बेसिकली कैसे इन वेरी सिंपल टर्म्स ठीक है अब इसकी डिटेल में पढ़ना है तो इट विल बी इन आवर स्टडी नोट्स वहां पे हमने अच्छे अच्छी डेफिनेशन दी दिए है आपको एग्जाम में कैसे लिखना है प्रेजेंट करना है वो आप वहां से देखिएगा बट यहाँ पे आपका फोकस रहना चाहिए अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग करने में ठीक है ओके okay, अब बात करते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस देखो इकोनॉमिक्स uh, क्या होता है इकोनॉमिक्स इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई वहां पे चीजें काफ़ी ब्रॉड में देखी जाती हैं वहां देखा जाता है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका दैट इज इकोनॉमिक्स बट इकोनॉमिक्स का ही एक सब पार्ट होता है फाइनेंस आप मनी को कैसे मैनेज कर रहे हो मनी में क्या डिमांड सप्लाई चल रहा है दैट इज

एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मैं फैक्टर्सिंगजाम्पल देता हूँ लेट से किसी कंपनी में uh, uh, दो टाइप तीन टाइप के रिसोर्सेज होते हैं एक होते तो हैं फिजिकल एसेट्स होते हैं ठीक है फिजिकल एसेट्स है कि लैंड हो गया मशीन हो गया ये सब उनका फिजिकल एसेट्स है इनको मैनेज करोगे वो इकोनॉमिक्स हो जाएगा फाइनेंस हो गए फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विस में हो जाएगा कैपिटल कितना कितना है उन पे पैसा कितने है पैसा कैश इन हैंड कितना है उनके पास है ना वो उनका पैसा हो जाएगा उसको मैनेज करोगे वो फाइनेंस हो जाएगा वो इकोनॉमिक्स भी होगा ठीक है तो फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थर्ड चीज किसी कंपनी पे क्या होती है ह्यूमन फाइनेंसोर्स उनपे कितनी लेबर है क्या वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है कितनी लेबर को कैसे इंप्लॉय करना है वहां पे उनका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स लेबर मार्केट हो जाएगा वो तो उनको कितनी वेज देनी है से कितना काम करवाना है सो एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स बट इकोनॉमिक्स का ही सब पार्ट हो जाएगा हमारा फाइनेंस जहां पे हम मैनेजिंग द मनी की बात कर रहे हैं मैनेजिंग द कैश या कैश इक्वल की बात कर रहे हैं ठीक है सो इट इज अब पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स अब ब्रांचेस अब इनकी ब्रांचेस होती है ऑफकोर्स इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है माइक्रो एंड मैक्रो होती है मैक्रो यानी हम एक मैक्रो लेवल में बात करते हैं से कंट्री का जीडीपी कितना है वहीं माइक्रो में बात करते हैं किसी कंपनी की कंपनी का से प्रोडक्शन कितना है एंड डिमांड कितनी है सप्लाई कितना डिमांड की थी कंपनी अगर कंपनी लेवल पे बात करी जाए कंपनी का प्रॉफिट निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो कंपनी का प्रोडक्शन निकालना हो तो इट इज माइक्रो मैक्रो में एक पूरे इंडिया का क्या डेफिसिट चल रहा है कितना कंट्री का प्रोडक्शन है वो हमारा मैक्रो लेवल हो जाएगा वही फाइनेंस की बात करें यहाँ पे तीन टाइप में होता है मैं पहले बताया मैंने जस्ट कि एक होता है पर्सनल फाइनेंस यानी मैं और आप अगर कुछ स्पेंड कर रहे हैं तो हाउ वी आर मैनेजिंग आर मनी एक होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस कोई कंपनी कैसे इन्वेस्ट कर रही है पब्लिक फाइनेंस एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट ठीक है now, uh, now इसके में में नहीं पढ़ते बट वट वॉज द इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स यहां पर डिफरेंट चीजों की बात करता है फाइनेंस यहाँ पे खाली मनी की बात करता है कैश की बात करते हैं कैश इक्विल की बात करता है ठीक है इकोनॉमिक्स यहाँ पे हर चीज इकोनॉमिक्स में हर चीज आ जाती है गुड्स की बात आ जाती है सर्विसेज की बात आ जाती है लेबर मार्केट की बात आ जाती है टेंजेबल एसेट्स की बात आ जाती है फोर्स यहाँ मनी की बात भी आती है सो so, मनी यानी फाइनेंस का पार्ट हो गया तो इकोनॉमिक्स के अंदर सब आ जाता है ठीक है